आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर मेरे लिए एंड उन सभी ऑनर्स के लिए जिनके पास ग्रैंड आइटन न्योस है। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल देख के क्लिक करा है, इस गाड़ी में बहुत ही बेहुदी चीज लगी हुई है, खासकर ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं तो इरिटेशन होता ही होता हूँ, साथ में मेरे नेबर्स भी इरिटेट फील करते हैं बिकॉज इस गाड़ी की जो आवाज है ना बहुत ही बेहुदा एंड तो कंपनी को पता नहीं क्या हो गया, डबल हॉर्न सब में आता है एंड मैं इसको आज आके चेंज करूंगा। चलते हैं सीधा साइड पे एंड उसके बाद बात करते हैं। मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ शांति ऑटोमैक्स में एंड इस गाड़ी में आज मैं हॉर्न चेंज करूंगा क्योंकि जो कंपनी की तरफ से स्टॉक आता है वो बहुत बेहुदा हॉर्न है एंड सिंगल हॉर्न आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बम्पर खुल चुके हैं एंड जो भी हॉर्न लगेगा उसका मैं आपको रिस्पॉन्स सुना के दिखाऊंगा, प्लस कितने की कॉस्टिंग बैठी वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड वायरिंग कैसी हुई वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब ए टू जेड सारी इंस्टॉलेशन प्राइस सब दिखाऊंगा। बाकी वीडियो का एंड तक देखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हैशटैग कोड ब्लॉग्स में, मेरा नाम है आशीष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने हिसाब से हॉर्न कैसा दे रहेगा तो अपने हिसाब से आप ये अपग्रेड कर सकते हैं। तो शांति ऑटोमैक्स यहाँ पर डाबड़ी पे आए हूँ, इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस शांति ऑटोमैक्स का आपको आउटलेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कार्स एसेसरी सीट कवर सब आपको देखने को मिल जाएगी एंड यहीं पर ही फैक्ट्री आउटलेट है जो कि सीट कवर डिजाइन कर फ्लोर मैटिंग होता है। तो मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर जैसे जैसे काम होते जाते हैं मैं आपको वन बाय वन दिखाते जाऊँगा। ये देखिए दोनों तरफ से हमने बम्पर खोल लिया है और इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें सिंगल हॉर्न लगा हुआ है, तो सिंगल हॉर्न हटवा के मैं इसमें डबल हॉर्न लगाऊंगा, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम और थी गाइस, इसमें जो ये डीआरएल ट्यूब लगवाई थी मैंने वो इसमें अब मैं चेंज करवा रहा हूँ बिकॉज ये ख़राब हो चुकी है। बारिश का टाइम है यहाँ पर दिल्ली में, तो दिल्ली में बारिश का टाइम था तो ये ख़राब हो गया बिकॉज ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पर विजिट करिए एंड बाकी जो जो काम हो रहा है मैं आपको उसमें सब दिखाऊंगा, कैसे वायरिंग होंगे, कितने क्या क्या कनेक्शन हुआ वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। गाइस अब मैं हॉर्न दिखाता हूँ आपको कौन से ब्रांड का लगा रहा हूँ। हॉर्न में लगवा रहा हूँ रूट्स कंपनी के विंटोन एंड ये लगने के बाद आपको रिस्पॉन्स सुनाऊंगा, प्लस इसकी ओपनिंग करता हूँ। देखने में ये कुछ ऐसा है, ये है डबल ऑन रूट्स के, यहाँ पर ये सिंगल ऑन दे रखा था कंपनी की तरफ से, उसको मैंने निकलवा दिया एंड कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूँ कपलर टू कपलर फिट होगा। भैया कोई वायरिंग कटिंग तो नहीं होगी, कोई कंपनी से वारंटी वाइड नहीं होगी ना, तो कोई भी वायरिंग नहीं कटी होगी ना कोई वारंटी वाइड होने का सीन है, सिंपली वायर टू वायर कनेक्ट हो जाएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब भी लग जाएगा मैं आपको रिस्पॉन्स सुनाऊंगा, प्लस इसमें पत्ती दे रखी है जो कि दोनों को अटैच कर देंगे एंड कंपनी से ही सिंगल हॉर्न मैंने आपको बता दिया था कैसे आया था और मेरे को तो इसकी आवाज़ बहुत बेकार लगती थी तभी मैं इसका अपग्रेड करवा रहा हूँ। तो लगता है वायरिंग जैसी जैसी हो रही है मैं आपको वो सब दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करना गाइस ज़रूर, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे कहीं भी कोई भी पार्ट अच्छा लगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी गाइस आप भी मेहनत करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आगे जो भी प्रोसीजर होता है मैं आपको दिखाते जाऊँगा वन बाय वन, कनेक्शन कैसी लगी थी और कैसे क्या हुआ था। तो गाइस जब तक भैया काम कर रहे हैं तो उनको करने देते हैं, बाकी मैं आपको दिखा दूँ मेरा पहले यहाँ पर मड फ्लैप फट चुका था जो कि अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए ये वाला मड फ्लैप फटा हुआ है एंड उसकी भी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने कहाँ से ठीक करवाया, वो सब आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर मेरी ये फॉग लाइट भी ख़राब हो गई थी, जो फॉग लाइट मैंने इसमें अलग चेंज करी, बाकी और कोई तार ब्रेक नहीं हुई, सबसे अच्छी बात बस मैंने बल्ब चेंज कर लिया, बल्ब भी थोड़ा सब हो रहा है वायरिंग का काम, मैं वायरिंग दिखा देता हूँ आपको। ये हमने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ी तो नहीं करी ना, मतलब सिंपल कनेक्शन है ना। हाँ जी, कोई कनेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा है। हाँ जी, अंदर थोड़ा तेज बोलो भैया। भैया अपनी वायरिंग आपकी कोई कट नहीं होगी इसमें। अच्छा, इसको थिम्बल को काट के हम इसके अंदर डाल देंगे आपका। अच्छा, मतलब कोई वायर ब्रेक नहीं हुई ना। नहीं, नहीं कोई, डायरेक्ट सिंपल कनेक्शन है। हाँ जी, सिंपल कनेक्शन। तो भाई देख लो ये सिंपल कनेक्शन है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, भैया ने डबल कनेक्शन लेके सीधा सिंगल वाले प्लग में डाल दिया, तो कोई बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा ना कुछ फूकने का डर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप वीडियो में देख ही रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट काम हो ही गया वायरिंग का, प्लग करेंगे देन उसके बाद प्ले करके आपको मैं सुनाऊंगा कि आपको ये हॉर्न की आवाज़ कैसे है एंड कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आई10 नियोस में। तो अगर आप भी चेंज करवाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्रांडेड ही लगवाएं, ये रूट्स ब्रांड के ओरिजिनल हैं। बताना भैया है। इसके रूट ब्रांड्स के ओरिजिनल हैं। अब मैं एक बार बजा के दिखा दो, आप बजा दो, खोलिए गाड़ी। तो अब आप इसका रिस्पॉन्स चेक करना गाइस, चाहिए दे रहे हैं।
मजा आया ना। ये क्रेटा वाले हॉर्न से मैंने ये वाले क्यों लगाए, बिकॉज बता दूँ इसमें एक क्रोम वाला भी आता है, क्रोम वाले की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड उसकी पॉलिश भी उतर जाती है, तो मैंने ब्लैक वाला प्रेफर करा बिकॉज कंपनी से भी ब्लैक आता है और अंदर से तो वैसे ही कुछ क्रोम व्रोम दिखना नहीं है तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगवाने तो आप वो आप लगवा सकते हैं, बाकी मेरी गाड़ी में मेरे को ये सही लगे तो मैंने ये लगवा लिए। बाकी भैया आप DRL का स्टार्ट करते हैं और DRL वाली वीडियो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। ये था कुछ ग्रैंड न्यूज़ में काम, यह स्पोर्ट्स वेरियंट एंड जैसे कि आपने देखा इसमें मैंने बहुत सी ऐसी सीरीज लगवा रखी है, ऊपर आई बटन में आगे दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, टिल देन टेक केयर, सी यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग।